नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के बियाड़ा में पिछले 10 वर्षों से स्थापित श्री सीमेंट कंपनी के खिलाफ लगातार जल दोहन को लेकर देश के विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन और आम आवाम ने आवाज उठाई है। श्री सीमेंट के खिलाफ आंदोलन करने वाले यह जरूर कहते हैं कि वे प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है, वे चाहते हैं कि प्रोजेक्ट रहे क्योंकि इससे हमारे जिले के हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हुई है, लेकिन कंपनी कई मानकों पर खरे नहीं उतर रही है। हालांकि कंपनी के जल दोहन के विरुद्ध कई गणमान्य लोगों ने सवाल उठाया है और कई लोगों के द्वारा इसको लेकर PLI भी दायर की गई है। मामला अदालत में चल रहा है। कंपनी ने इस बात को स्वीकार भी किया है कि उसके द्वारा कितना पानी लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जितनी पानी की खपत हो रही है, पानी की स्थिति ठीक है। कंपनी के अधिकारियों को अब तक इस बात पर जोर देना चाहिए कि शहर में पानी की समस्या जल्द से जल्द ठीक हो। इसी बीच रविवार को यह मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया जब रफीगंज के पूर्व विधायक सह जदयू के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने महागठबंधन के 7 दलों के साथ मिलकर संयुक्त प्रेस वार्ता कर कंपनी पर हमला बोला है और पेयजल संकट पर महागठबंधन के नेताओं ने आर पार की लड़ाई लड़ने का शंखनाद किया है और कड़े शब्दों में हिदायत भी दी है कि सीमेंट कंपनी तय मापदंडों के अनुसार पानी ले, अन्यथा महागठबंधन सड़कों पर उतरने को बाध्य होगा। महागठबंधन की साझा प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह राजद के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर सुरेश पासवान और पूर्व विधायक सह जदयू जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने जल संकट की समस्या का कारण कंपनी के द्वारा किए जा रहे जल दोहन बताया है। नेताओं ने कहा कि शहर में भीषण पेयजल संकट उत्पन्न हो गई है। शहर के अलावा आसपास के गांव में भी पेयजल की विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। भीषण गर्मी में जल स्तर भूमिगत हो जाने की वजह से पीने के पानी को लेकर बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है। कई स्थानों पर चापाकल से लेकर मोटर पंप तक जवाब दे चुके हैं, जिसका नतीजा है कि जिले के घरों तक लोग अपने निजी पैसे से टैंकर के माध्यम से पीने के पानी जैसे तैसे उपलब्ध कर रहे हैं। भीषण गर्मी की वजह से हालात यह है कि शहर तो शहर, अनेकों गांव में लोग पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। बताया गया कि कंपनी का सरकार के साथ जो एग्रीमेंट था वह सोन नदी से पाइपलाइन के माध्यम से पानी लेने को लेकर था, लेकिन आज तक सीमेंट प्लांट के अधिकारियों ने सोन नदी से पाइपलाइन नहीं लगवाया। सोन नदी से पाइपलाइन के माध्यम से पानी लेने के बजाय प्लांट में डीप बोरिंग जमीन से करवा कर पानी ले रही है, उसके कारण पेयजल का संकट हो रहा है। हम लोग सरकार से भी मांग करते हैं, हम लोग कल या परसों में DM साहब को भी ज्ञापन देंगे, उनके माध्यम से भी सरकार को मैसेज आएगी। हम लोग अपने माध्यम से भी अपने माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से मिलकर के बात करेंगे कि औरंगाबाद शहरी क्षेत्र में जो पेयजल संकट है, जो बहुत सारे लोग शहर छोड़ करके गाँव में चले जाते हैं गर्मी के टाइम में 3-4 महीना, तो इसका मुख्य कारण है श्री सीमेंट प्लांट। जो हमारा जो पानी है, हमारा जिस पानी पे हमारा हक है, औरंगाबाद शहर के लोगों का हक है, वो आप ले रहे हो और वो उस पर रोक लगे, इसकी मांग हम लोग करते हैं। ये मूल बात तो और समस्या ये थी। और दूसरा ये है कि जो पोल्यूशन का है, जो डस्ट निकलता है श्री सीमेंट प्लांट से, तो आप शाम में बहुत सारे लोगों ने शिकायत किया औरंगाबाद के आसपास शहर और गाँव में कि हम लोग सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि एक परत डस्ट का, धूल का जमा रहता है छत के ऊपर, तो वो भी एक समस्या है। उसमें भी आपका आम लोगों का लंग्स का प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है, तो वो भी एक उस श्री सीमेंट से ये है। और तीसरा जो है, आप लोग भी कभी समस्या झेल रहे होंगे कि बहुत जाम लगता है पटना रोड पर, औरंगाबाद पटना रोड पर अवस्थित है श्री सीमेंट, तो वहाँ बड़ी बड़ी वाहनें जो उनका कच्चा माल लेकर के जो ट्रकें आती हैं वो रोड पे लगी रहती हैं दोनों साइड में, और वाहनों की लंबी कतार होने के कारण जो मरीज इमरजेंसी में अगर रेफर होते हैं पटना के लिए तो एम्बुलेंस भी घंटों फंसता है वो जाम में, तो वो मुख्य समस्या है। और आम जन को तो समस्या है ही, अगर हमको हमारे औरंगाबाद के लोगों को अनुग्रह नारायण रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जाना हो, रात में हो दिन में हो, वो भी जाम में फंस जाते हैं। उनको कई एक जगह पर छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको दिल्ली जाना है, मुंबई जाना है, तो ट्रेन पकड़ने में, स्टेशन जाने में भी समस्या हो रही है। तो श्री सीमेंट्स यहाँ होने के कारण 3 मूल समस्या है जिस पर हम आप लोग को बुलाए हैं। एक तो पेयजल का, दूसरा पोल्यूशन का, डस्ट का, और तीसरा जाम का। ये तीनों समस्या श्री सीमेंट उत्पन्न कर रही है। तो हम लोग एक तो मांग कर रहे हैं कि औरंगाबाद जब आपको ज़मीन दी गई थी बियाडा में, तो यहाँ घनी आबादी बसावट नहीं थी, अब घनी आबादी श्री सीमेंट के आसपास हो गया है,
तो अब हम लोग ये मांग कर रहे हैं और सुझाव भी सरकार को दे रहे हैं कि श्री सीमेंट को औरंगाबाद जिला में ही जहाँ पर खाली जमीन उपलब्ध है, जहाँ आम आदमी का बसावट नहीं है, वहाँ पर इसको शिफ्ट किया जाए। अपने जिला अध्यक्ष को हम बोले कि इस पूरा महागठबंधन को बुलाइए, ज्वाइंट एफर्ट इस पर लिया जाए, सरकार भी अपनी है, लेकिन पानी किसी भी हालत में मिले, एक सीमेंट के चलते, अगर कारण ही सीमेंट फैक्ट्री के चलते पानी पेयजल का घोर समस्या है, तो सीमेंट फैक्ट्री रहेगा कि औरंगाबाद के नगरवासी रहेंगे? सवाल एकदम सीधा सीधे। और इसका एग्जाम्पल है कि 2021 में, इसी 2020-21 में कोरोना के वजह से जब कुछ दिनों तक फैक्ट्री प्लांट बंद रहा, तो पानी की समस्या जो था वो सामान्य हो गया, उस समय यूज नहीं हुआ, सामान्य स्थिति हो गया। मैं उसका एग्जाम्पल हूँ, आप सब लोग एग्जाम्पल हैं उसके। तो या तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है। और फिर एक सवाल है कि भाई रॉ मटेरियल आप रायपुर छत्तीसगढ़ से मंगा रहे हैं, फ्लाई ऐश मंगा रहे हैं कहाँ से, NTPC से मंगा रहे हैं, अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं बिहार और बिहार के बाहर में, तो फिर पानी सोन से आज तक क्यों नहीं लाया? जब एग्रीमेंट है हमारा कि पानी सोन से लाना है, तो किस कारण से अभी तक पानी आपने सोन से नहीं? काम है बियाडा का, काम है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का, काम है पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का, ये अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो अपना काम कोई भी सरकार में रहे, हम रहे आप रहे, नहीं करेगा तो क्या हम लोग छोड़ देंगे? क्या नहीं छोड़ेंगे, सरकार को भी सजग करेंगे। लेकिन जो जीते हुए जनप्रतिनिधि, क्या उनका काम नहीं है? जनता को अगर दिक्कत हो रहा है पानी का, जीते हुए हारे हुए, पानी सबको उतना ही जरूरी है, हारा हुआ हो या जीता हुआ, पानी जो है। लेकिन जिम्मेवारी तो उनकी है, जिम्मेवारी है उनको, तो उनको विधानसभा, जिम्मेवारी निश्चित रूप से जिम्मेवारी है, हमको लगता है आ भी रहे होंगे, जिम्मेवारी निश्चित रूप से उनकी बनती है। और हमारी बात ही हुई थी आने के लिए। वी टाइम न्यूज के लिए औरंगाबाद से प्रमोद कुमार सिंह की रिपोर्ट।